जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरी इस शो की सहायक एंकर विनेता राव, हम मेरे ओर से आप सभी को एक बार क्रांतिकारी जय भीम। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं, यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का पैठण तहसील का विहा मांडवा नाम का गाँव, और इस विहा मांडवा का यह है ये जो गाँव, और ये गांव का है तक्षशिला बुद्ध विहार। इस बुद्ध विहार में हम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, जिस पर लोग चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, क्या है भारत का संविधान, क्या मिला इस भारत के संविधान से, बाबा साहब का ये संविधान ये देश के लोगों को किस प्रकार के अलग अलग फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे बहाल करता है, जानेंगे लोगों से। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखा सुमिचाचार वीरमणि शिखापदं समादियामि मूसावदा वीरमणि शिखापदं समादियामि सूरामेरय्य मज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं गंधं गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेनं पुएनं मेतेन लब्बामि मोक्षं पुप्फमिलायति यथा इन्द्रमे कायो तथा याति विनाश भाव घन पौरप दीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोक दीपं संबुद्ध पूजयामि तमोनुंद सुगंधिकाया वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाह गंधेना पूजयामि तथागतं बुद्ध धम्मच्च संगः सुगतुन भावे धातु धातु गब्बे लंकाय जम्मुदीपे तिदसपुरवरी नागलोपे चथुपे सब्बेपि बुद्ध दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि दामि चेतिया सब्बा सब्बा नेसु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा विजो विदुरयानं देव रूपं सुजीव निर्मल चक्षु गभीर घोषं गौरवर्णं
भारत राज्यं सुजनेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्य प्रभु रत्न साधु वरदा वरदान तु अद्य कुल भूषण भीमराज सकल विद्यापति ज्ञान सतसंगति शास्त्र शासन मति बुद्धि तेज पंकज नरवरा रत्न सोजन उद्धारा भगवंत आमचा खरा भक्त काजा चौदार संगरी शास्त्र धरिता करी कापला हरी उरी रंद्र रूपा मुक्ति पंत कोणता जीर्ण स्फुति जाईता उजाईला गंतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटनाकृति शोभते भारती महामानो बोलती सार्थ सज्ञा शरण बुद्धासे शरण धम्मासे शरण संगासे भीमराजा 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 जगाला शांतीचे संदेश देणारे महाकारणिक तथागत गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रिया उद्धारक महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले संत कबीर संत गाडगे बाबा छत्रपती श्री शाहूजी महाराज शिवाजी महाराज माता भीमाई माता रामाई माता जिजाऊ या सर्व महामानवांना त्रिवार वंदन करून आज या ठिकाणी माझं नाव आहे शोभाताई सुनील ब्रह्मराक्षस राहणार विहामांडवा तालुका पैठण जिल्हा औरंगाबाद आणि मी तसेच तक्षशिला बौद्ध विहारातून बोलत आहे आणि भारत का संविधानाची उद्देशिका म्हणून मी ह्या ठिकाणी उद्देशिका स्थापन करीत आहे हम भारत के लोक भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक ज्ञान विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो लिखा विश्वरत्न महामहिम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा दर्शकों यह संविधान 395 आर्टिकल वाला
दुनिया का सबसे बड़ा यह संविधान साबित हो गया है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा यह संविधान यहाँ पे सब विश्व जानता है, बोलता है। दर्शकों, यह संविधान बनाने के लिए इस देश में एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसूदा समिति बनाई गई, जिस मसूदा समिति में कुल 7 लोग थे, उनमें से बाबा साहब इस मसूदा समिति के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और बाबा साहब के साथ साथ 6 लोग इसी मसूदा समिति में सदस्य के तौर पर थे। लेकिन बाबा साहब अछूत होने के कारण देते हुए, और बाबा साहब जैसा एक अछूत आदमी इस देश को एक आकार नहीं दे सकता, और ये बाबा साहब एक अछूत व्यक्ति देश का शिल्पकार नहीं बन सकता, ऐसी कुछ धारणा मन में रखते हुए इस लोगों ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी को अलग अलग कारण देकर छोड़ गया। उनमें से कुछ लोग पर्देश चले गए, कोई लोग अपने कारोबार में व्यस्त हो गया, कोई राजकारण में व्यस्त हो गया, कोई बीमार हो गया या कोई मर गया, लेकिन अकेले विश्व रत्न महामहिम डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखने का प्रयास किया और बाबा साहब ने उसे पूरा कर दिया। ये लिखा हुआ संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने इस देश को 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे सौंपा दिया। दर्शकों, यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तागायत इस देश में एक अच्छे तरीके से चल रहा है। इस देश के सभी नागरिकों को इस देश में इंडियन होने का एक हक अधिकार, भारतीय होने का हक अधिकार प्रदान करता है। इस संविधान ने बहुत सारे अधिकार यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे मूलभूत अधिकार और मूलभूत अधिकारों की रक्षा यही हमारा संविधान करता है। दर्शकों, संविधान के दायरे में रहते हुए हमें संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका भी अधिकार यह संविधान हमें प्रदान करता है। ऐसे बहुत सारी हक और अधिकार की बात, और इसी के साथ साथ हमारे कर्तव्य की बात हम इस गाँव के विवाह मांडवे के इस लोगों से आपसे कराएंगे, जो लोग आपसे रूबरू होना चाहते इस शो के माध्यम से। दर्शकों, जानेंगे उन्हीं लोगों में से, लेकिन इस शो में जिसके माध्यम से ये शो इस गांव में यहाँ पे हुआ है, ऐसे हमारे लॉर्ड बुद्धा के इस पैठन तालुका के ये प्रतिनिधि बाबा साहब अरसूल, ये भी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे उन्हीं से उनको क्या लगता है संविधान के बारे में, उनका क्या कहना है। सर, जय भीम। जय भीम। हाँ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मेरा नाम बाबा साहेब अरसूल। हाँ। मैं पैठन तालुका प्रतिनिधि के तौर पर लॉर्ड बुद्धा टीवी में काम करता हूँ। आज मेरा गांव भारत का संविधान करेगा, आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम का जो आयोजन लॉर्ड बुद्धा टीवी लेकर आई है हमारे तालुके में, इस तालुके के आज ये जो विहामांडवा गांव है, इस विहामांडवा गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही खुशी का मौका है। और जो संविधान के ऊपर जो अभी चर्चा करेंगे, इसके लिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से मैं आपका सर और गवई सर का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे हो सकता है स्वागत हमारे इस बंदे का। दर्शकों, लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ एक शो में, क्योंकि शो का नाम है मेरा गांव भारत का संविधान करेगा, आदर्श गांव का निर्माण। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ इस शो में जुड़ी है, जानेंगे उन्हें से क्या कहती है संविधान के बारे में। जय भीम। नमो बुद्धाय। नको ते मजला डाग डागिना नको ते मजला डाग डागिना नको ते तसला लेना अन भीमराव माजा शंभर नंबरी दागिन्याच सोन भीमराव माजा शंभर नंबरी नको ते मजला डाग डागिना नको ते मजला डाग डागिना नको ते तसला लेना अन शंभर नंबरी भीमराव माज आहे वाचलेना शंभर नंबरी भीमराव माज साहे वाचलेना शंभर नंबरी भीमराव माजा साहेब वाच देना। दर्शकों, इतनी मधुर आवाज में हमारे समाज की महिलाएं हैं, बाबा साहब का गुण गौरव यहाँ पे गाती रहती है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने मन की बात, क्या कहते हैं संविधान बाबा साहब के देने। एक बूढ़ी माँ इस शो में हमारे साथ जुड़ी है, जो कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरे समाज को एक नया संदेश यहाँ पे देना चाहती है, और इसी हमारे बूढ़ी माँ का क्या कहना है बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा यहाँ पे लोग रखते हैं, जानेंगे उन्हीं से। जय भीम। जय भीम। भागुभाई बाबूराव खांडे। जय भीम। बाबा साहब ने काढलं। जय भीम। क्या बात है, जोरदार।
जोरदार तालियों के साथ हो सकता है ये जय भीम का नारा बुलंद होते जा रहा है हमारे युवा वर्ग से लेकर बूढ़े जवानों तक। दर्शकों जानेंगे कुछ महिला हमारे से जुड़ना चाहती है, क्या कहते हैं दिल की बात जानेंगे मन की बात। जय भीम। जय भीम। नितिन ब्रह्म राक्षस तालुका पैठणा मांडवा। सर मी आज आपण इथं आलात तुमच्यामुळे आज आमचा समाज दिवसभर सर्व म्हणजे जमा केलात आणि त्याचा मला गर्व आहे आणि बाबासाहेबांनी जे संविधान जे हक्क दिलेत जे मी आज थोडीफार कुठेतरी राजकीय क्षेत्रामध्ये थोडंफार कुठेतरी जातोय येतोय हे मला बाबासाहेबांमुळे भेटलंय आणि जे मी आजपर्यंत शिकलोय हे बाबासाहेबांमुळे देणं आहे आणि जो आज मी तुमच्यासोबत जे उभा आहे ती बाबासाहेबांची देणं आहे आणि जय। दर्शको हमें इस माइक में बोलने का अधिकार और आपके सामने खड़े होने का अधिकार और आप सभी को ये शो देखने का अधिकार मिलता है सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। ये विहार मांडवा के लोग हैं और ये तक्षशिला बुद्ध विहार में बहुत सारे कड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे उन्हें से जुबानी क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? प्रभाकर फकीरा धायकर राहणार विहार मांडवा तालुका पैठण जिल्हा औरंगाबाद येथून तक्षशिला बुद्ध विहारा विहार मांडवा येथून मेरा गाव करे भारत का निर्माण संविधान या कार्यक्रमामध्ये लॉर्ड बुद्ध टीव्ही चॅनल इथे आले आणि ह्या चॅनलमुळे ह्या संविधानाचा अर्थ ह्या सर्व विहार मांडवाकरांना समजला ह्याच्याबद्दल आम्ही लॉर्ड बुद्ध टीव्हीचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी हमेशा इथं कधी भी बोलल्यानंतर यावं एवढी विनंती करतो। जय भीम। जय बुद्ध। जय भारत। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे जो कार्यक्रम हो जा रहा है, ये गांव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का पैठण तहसील का, ये विहार मांडवा नामक गांव, ये है तक्षशिला बुद्ध विहार। लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं मन की बात क्योंकि ये शो है मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, क्या कहेंगे? गीत गाइए। जय भीम। माझ्या भीमाच्या नावाचं, माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान। जोरदार तालियों के साथ मीठी मीठी आवाज और मधुर आवाज में महिलाएं गाते रहती है शो में। ये शो है भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। दर्शकों जोरदार तालियों के साथ, बाबा साहब का संविधान हमें हक और अधिकार प्रदान करने का काम करता है, लेकिन हमें इस संविधान के बारे में मालूमात और जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, क्या कहते हैं जानेंगे उन्हीं से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ। जय भीम बाबा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बाबा साहेबाच्या घटनेमुळे काय मिळालं तुम्हाला? बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे नाव काढतो माझी सही या बात म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार मिळाला। बाबा जय भीम। जय भीम। समोर बघा, नाव सांगा तुमचं पूर्ण। तुळशीराम ब्रह्म राकेश। अच्छा सर, काय मिळालं तुम्हाला तुळशीराम? मला जे भेटलं ते कोणाला नसेल भेटलं साहेब, येर भेटलंय, शेत भेटलंय, पैप जे काय असेल ते मला बाबासाहेबांच्या त्याच्या नावावर। जय भीम। जोरदार तालियों के साथ हमें जो कुछ भी मिला है वो मिला है दर्शकों केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। दर्शकों ये बाबा साहब का संविधान हमारी आन बान और हमारी शान है। जिस प्रकार इस देश में यह संविधान साबित रहेगा तो हमारे पूरे लोगों की, जो चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सबके हक अधिकार यहाँ पे साबित रहेंगे। और इससे इस संविधान की रक्षा करने के लिए गाँव गाँव शहर शहर डगर डगर के लोगों को एक होना, एक जगह पे आना बहुत जरूरी है। जानेंगे क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। बाबा जय भीम। जय भीम। काय नाव तुमचं? उमाजी श्यामराव ब्रह्मराक्षस। काय सांगा संविधानाबद्दल? संविधानाबद्दल काय जे दिलं ते बाबासाहेबांमुळेच भेटलेलं आहे, बोलतो आपण बाबासाहेबांमुळेच बोलतो। बिलकुल, बोलण्याचा अधिकार अधिक जे कमीलं फक्त बाबासाहेबांमुळे। बहुत अच्छा। जय भीम। जय भीम। क्या बात है। ये जो कुछ है मिला हमें ये बाबा साहब के संविधान के माध्यम से मिला है। दर्शकों लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने मन की बात, जानेंगे लोगों से और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का ये शो मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस शो में हम चर्चा करते हैं गांव गांव के लोगों से, जो लोग संविधान के बारे में हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं, क्या है भारत का संविधान और इस भारत के संविधान से हमें क्या मिला है, जानेंगे लोगों की जुबानी और वही बन जाती है इस संविधान की कहानी, क्या कहते लोग। बाबा जय भीम।
जय भीम। काय नाव तुमचं? मोहन लोभाजी ब्रह्मराक्षस। अच्छा मोहन सर, काय सांगा संविधानाबद्दल? संविधानाबद्दल, संविधानाला आम्ही यांनी ठामपणे उभा राहू। कोणी जर आम्हाला आडू आला तर त्याचा काटा काढायला सुद्धा भेणार नाही। आणि बुद्धाच्या चरणी वंदना घेऊन मला जे मार्गदर्शन भेटलं बाबाच्या येणी आणि बुद्धाच्या येणी, मी आज सुखी झालो असं समाधान वागतो मी। जय भीम, जय भीम। जोरदार तालियों के साथ बाबा साहब का संविधान हमें हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का यहाँ पे बड़ा हौसला हमारे बढ़ा देता है। यह है संविधान की देन। क्या कहते हैं लोग? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? दिलीप एकनाथ निकल जी। अच्छा दिलीप सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? घटने ने भरपूर दिलेल है, घर दिलेल है, कर्ज दिलेल है। ओके जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है सर आपका? विजय मुरलीधर ब्रह्मराक्षस। अच्छा विजय सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान के बारे में इतना ही कहूँगा सर, बाबा साहब ने खाली मानव के लिए नहीं तो पशु पक्षी प्राणी इनके वास्ते भी बहुत बड़ा कायदा लिखे वाला और उनके भी रक्षा करे वाली बहुत अच्छी बात। और सब एक ही जात के नहीं तो सभी जाति के लिए ये संविधान है। एक जात के लिए मानना अपना ये उचित नहीं है, क्योंकि सब जात के वास्ते बाबा साहब ने संविधान लिखे वाला है। और इससे मैं गर्व करता हूँ, मैं बाबा का बहुत चाहता हूँ। जय भीम। दर्शकों, इतने सही मायने में बाबा साहब के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले लोग भी हमारे समाज में हमारे साथ मौजूद है, ये हमें बहुत फख्र होता है, हमें बहुत गर्व महसूस होता है। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में? जय भीम। जय भीम। जय भीम। काय नाव है तुमचं? रंगनाथ भानदास ब्रह्म। रंगनाथ भाऊ, काय मिळालं संविधान मध्ये तुम्हाला? बाबा साहेब शेती भेटली, जमीन भेटली। जमीन मिळाली। जय भीम। तालियों के साथ हो जाए स्वागत। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते है, कहना चाहते है अपनी मन की बात। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ कहेंगे अपने मन की बात। माझं नाव मैना कैलास धायकर। मी व्या मांडवाई इथून बोलत आहे। मला बाई राती सपान पडलंय भारत रत्न भीमाच, मला बाई राती सपान पडलंय भारत रत्न भीमाच, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलंय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलंय रथात। जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा। जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, जणू काय इंग्लंड जर्मनचा राजा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा। डोक्यावर हॅट हाय, डोक्यावर हॅट हाय, पायात बूट हाय, जणू काय युरोपियन दिसतोय, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसले रथात। जय भीम। मी वैजयंती दिलीप निकाजे विहा मांड्यावरून बोलते। ज्या वेळेस बाबासाहेब नव्हते त्यावेळेस माझा सर्व समाज आंधळा होता, आणि त्या आंधळ्या समाजामुळे माझ्या बाबासाहेबांमुळे आंधळ्या समाजाला काहीच दिसत नव्हतं। ज्या वेळेस माझ्या बाबासाहेबांनी जन्म घेतला त्यावेळेस माझा समाज संपूर्ण अस्तित्वी जागी झाला। त्यामुळे माझ्या बाबासाहेबांमुळे मी चालायला शिकले, बोलायला शिकले आणि बघायला पण शिकले, आणि जे काही वैभव आहे ते माझ्या बाबासाहेबांमुळे। जो हार गेला माय आ आ, जो हार गेला माय उद्धार झाला माय, भीमरावामुळे आज जगते स्वाभिमानानं, दान हे बलिदान, दान हे
बलिदान दान हे बलिदान। जोरदार तालियों के साथ इतनी मधुर आवाज में यहाँ पे ये गीत पेश हुआ इस शो में। आप लोग देख रहे दर्शकों, ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इसी शो में बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती है, बताना चाहती है अपने मन की बात, क्या है भारत का संविधान, क्या मिला हमें भारत के संविधान से। जय भीम। माझं नाव कल्पना तुळशीराम ब्रह्म राक्षस। मी डॉक्टर बाबासाहेब विषयी 2 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकावे। बाबासाहेबांनी जे काही त्याग केलाय आपल्यासाठी ते आणखीन कुणीच समजू शकलं नाही। त्यांनी लेकराचा बायकोचा न विचार करता बाहेर गावी जाऊन शिक्षण घेतले आणि आज जे काय बोल जे काय उभे आहेत आपण बुद्ध विहारात ते बाबासाहेबाचं देण आहे। जय भीम जय भीम। माझं नाव तन्वी प्रशांत गायकवाड। मला बाहेरातील सपान पडलं भारत रत्ना भीमाचं, मला बाहेरातील सपान पडलं भारत रत्ना भीमाचं, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात। जणू काय इंग्लंड जर्मलचा राजा, जणू काय इंग्लंड जर्मलचा राजा, तसंच भीमराव भीमराव माझा, तसंच दिसतोय भीमराव माझा, तसाच दिसतोय भीमराव माझा, जणू काय इंग्लंड जर्मलचा राजा, जणू काय इंग्लंड जर्मलचा राजा, तसाच भीमराव दिसतोय माझा, तसाच भीमराव दिसतोय माझा, पायात बूट हाय डोक्यावर हात हाय, पायात बूट हाय डोक्यावर हात हाय, युरोपी दिसतोय सुटात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात। माझं नाव रेखा बळीराम ब्रह्मराक्षस आहे। प्रथम माझा सर्वांना जय भीम। जय भीम जय भीम। इथे जमलेले माझे वडीलधारे आणि माझे बंधू व भगिनींनो, तर आज मी तुम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल 2 शब्द सांगणार आहे, तरी तुम्ही ते शांतपणाने ऐकून घ्यावे अशी माझी तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती आहे। तर बोधिसत्व परमपूज्य क्रांतीसूर्य भारतरत्न डॉक्टर आणि बॅरिस्टर, आपण त्यांना कितीही शब्दात संबोधलं तरीही ते कमीच आहे। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा अत्यंत मोलाचा असा महामंत्र त्यांनी आपल्यासाठी दिला आहे। त्यांनी आपल्यासाठी खूप काही केले आहे, पण आपण त्यांच्यासाठी काय केले? आपण त्यांच्यासाठी काहीही केलेले नाही। अरे ज्या महामानवाला, ज्या महापुरुषाला भारतामध्ये आपल्या या समाजामध्ये साधं पुस्तक वाचू दिलं नाही, आज त्याच महापुरुषानं भारताचं असं संविधान लिहिलं, भारताचं असं पुस्तक लिहिलं की ज्याच्यावर अख्खा देश चालतो आणि चालतच राहील। अरे ये देश किसी रामायण की गीता से नाही बल्कि मेरे बाबा के संविधान से चलता आहे। तर अशाच्या अस्पृश्य समाजातील अस्मिता जागवणारा पहिला महामानव म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म दिनांक 14 एप्रिल 1891 झाला। त्यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते आणि त्यांच्या आईचे नाव होते भीमाबाई। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्यासाठी एक भव्य दिव्य मशाल आहेत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्यासाठी महामानव आहेत, ते आपल्या भारत देशाची आन बान आणि शान आहेत। पण का, कशासाठी? तर त्यांनी आपल्याला माणसात आणलं म्हणून, त्यांनी आपल्या भारत देशाची भारत घटना लिहिली म्हणून, त्यांनी जगात सर्वात जास्त शिक्षणाच्या डिग्री घेतल्या म्हणून। अरे वाघ जखमी झाला तरीही तो आयुष्याला कंटाळत नाही, तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा बाहेर पडतो घेऊन तीच दहशत तोच दरारा। पराभवाने माणूसही संपत नाही, तो प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो। आणि कठीण काळात तुम्ही स्वतःला असं सांगा की शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलोच नाही। पहा तो वाघ आहे, वाघ म्हणजे एक जनावर, ते एक जनावर असूनही तो जर त्याची दहशत सोडत नाही, त्याचे प्रयत्न सोडत नाही, मग आपण तर मनुष्य आहोत ना। अरे मग आपणच का आपले प्रयत्न सोडायचे, आपणच का मागे हटायचे? हा, माझ्या बाबाच्या नावाचं वादळ अख्ख्या जगात घुमतंय आणि म्हणूनच तर काल जन्माला आलेला पोर सुद्धा जय भीम म्हणतंय।
जय भीम ताई, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या नाम है? राजामती बाई त्रिंबक बर्म राक्षस। काय मिळालं तुम्हाला संविधानाने? आता सगळं काही भेटलं सर। जय भीम। दर्शको, ये शो है भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहना चाहते। जय भीम सर, अर्थ सांगते मी। जय भीम। मग आता बरेचसे असे उपासक उपासिका आहेत जे जय भीम म्हणतात। मग जय भीम म्हणजे काय? बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा अगोदर जोहार म्हटलेलं होतं, पण आता तो जोहार गेलाय, आता जय भीम म्हणतात। मग जय भीम म्हणजे काय? जय भीम म्हणजे दया, क्षमा, शांतीचा विचार। जय भीम म्हणजे आत्म्याला नकार, बुवा बाजीला नकार, ढोंगी वृत्तीला नकार। जय भीम म्हणजे श्री गुलामगिरीस नकार, देव देवतेस नकार। ह्या विजय झालेल्या शब्दालाच बाबासाहेबांनी जय भीम असे म्हटलेलं आहे। म्हणून जय भीमचा अर्थ समजा। जय भीम बोलो आणखी दर बिचलो नाही। जय भीम म्हणजे मी सांगितलेलं ते लक्षात ठेवा। जय भीम। क्या बात है। जोरदार तालियों के साथ लोग जुड़ते जाते हमारे साथ, कहते अपनी मन की बात। ये शो है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। अगर आपको भी अपने गांव में इस प्रकार का शो आयोजित करना है तो मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप मुझे नीचे दिए नंबर पर यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, या हमारा लॉर्ड बुद्धा टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हो। दर्शकों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं इसी प्रकार के महाराष्ट्र या देश के किसी एक गांव में, कस्बे में, बिहार में, शहर, नगर, डगर में। तो आपकी इजाजत रहते हुए मेरे शब्दों को यहाँ पे मैं पूर्ण विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, धन्यवाद।